जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु मारुकमणि आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। होली की पावन वेला आ रही है। 9 मार्च 2020 को छोटी होली और 10 मार्च 2020 को खेलने वाली यानी रंग वाली होली मनाई जाएगी। तो सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आप सबको देती हूँ। ये जो होली हो वो आपके जीवन में रंग भर दे, जीवन को मीठा बना दे, ऐसी होली इस वर्ष आप खेलें, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। होली के साथ साथ रंग गुलाल, हंसी मजाक, त्योहार, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, बहुत कुछ आता है। लेकिन साथ में जो बुरे लोग हैं, जो हमारे शत्रु हैं, जो हम पे बुरी दृष्टि रखते हैं, ये सब चीजें भी इस समय में उनका किया कराया भी बढ़ जाती। कहते हैं होली पर किए गए जो उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, किसी का बुरा भी होता है या किसी का अच्छा भी होता है, वो होली पर बहुत ही फलित होता है। तो इस दिन बहुत सारे नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति भी कुछ ना कुछ दूसरे के लिए बुरा करने के लिए टोटके इत्यादि करते रहे। तो आप सभी उन सभी नकारात्मक चीजों से, उन सभी बुरी दृष्टियों से, उन सभी शत्रुओं से रक्षा हो, उसके लिए मैं आज आपको उपाय बताने वाली हूँ। और साथ ही यदि आपके जीवन में ग्रह बाधा आ रही है, आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं और बहुत समय से आप उपाय कर रहे हैं लेकिन उपाय आपको कोई लग ही नहीं रहा है, तो होली का जो मुहूर्त होता है उस पे किए जाने वाले जो उपाय होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 14 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे इस चैनल के हो चुके हैं और डेली हमारा ये जो परिवार है ये बढ़ता जा रहा है। तो इसके सदस्य बनने के लिए तुरंत ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन भी दबाएं और हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल पे 6000 से ज्यादा वीडियोस हैं जो आपको बहुत सा ज्ञान प्रदान करेंगी, उसको भी आप देखते रहें। तो इसलिए मैं आपको जो उपाय बताऊंगी, यदि जीवन में कोई कष्ट है तो भी कर सकते हैं, या केवल अपने और अपने परिवार की आप रक्षा और सुरक्षा चाहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। उपाय बहुत ही सरल है, हर राशि का जातक इसको कर सकता है। सबसे पहले ये उपाय आपने होलिका दहन वाले दिन करना है, यानी कि 9 मार्च 2020 को होलिका दहन वाले दिन। इस उपाय को करने के लिए एक काला कपड़ा लें, उस काले कपड़े में आपने काले तिल भरने हैं, 7 लौंग साबुत लौंग जो होती है वो आपने डालनी है, आपने कुछ 50 ग्राम पीली सरसों जो होती है वो डालनी है और थोड़ी सी चुटकी भर मिट्टी लेनी है। ये सब डालने के बाद आपने इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी और पोटली बनाने के बाद 7 बार अपने ऊपर से आपने इसे वारना है और वारने के बाद होलिका दहन में यानी जहाँ होली जलाई जाती है इस पोटली को आपने वहाँ स्वाहा कर देना है। होलिका दहन का जो सही मुहूर्त है वो मैं आपको बता रही हूँ, वो शाम 5:40 से लेके शाम के 8:07 तक रहेगा। इसी बीच यदि ये उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होंगे और अगर कोई भी व्यक्ति आपका बुरा चाहता है उससे भी आपकी सुरक्षा होती रहेगी। हमारे शास्त्र कहते हैं दिवाली या होली पे किए गए उपाय हमें शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं, इसलिए इन बातों का आप ख्याल रखते हुए होलिका दहन में यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो इस मुहूर्त में आप होलिका दहन में इस पोटली को अपने ऊपर से या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर से वार के डाल सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो अवश्य ही आपकी परेशानियां भी उस होलिका दहन में भस्म हो जाएगी। जिस प्रकार से प्रहलाद जी की जो बुआ थी वो उनका अहित चाहती थी लेकिन वो भस्म हो गई स्वयं, वैसे ही आपकी परेशानियां भी इस होली भस्म हो जाएगी। 10 मार्च को रंग वाली होली यानी खेलने वाली होली है, उस दिन भी यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो रंग है अपने इष्ट देवता को अवश्य चढ़ाएं, उनके चरणों में थोड़ा सा गुलाल थोड़ा सा रंग जरूर लगाएं, उसके बाद ही होली खेलना प्रारंभ करें। आप सभी को फिर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। होली की होली आपकी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हो, बहुत रंग वाली हो और बहुत ही उत्साह वाली हो, आनंद वाली हो, खुशियों वाली हो, ऐसी मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। जय शनि। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।